बहराइच जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नदी में डूबने से पिता पुत्र भतीजे की मौत। पूरा मामला बहराइच जिले के थाना मोतीपुर अंतर्गत ग्राम सभा बगहा के सरपंच पुरवा का है। मोतीपुर थाना ग्राम सभा बगहा के सरपंच पुरवा निवासी कमलेश मिश्रा उर्फ कल्लू पुत्र दुख हरण नाथ 41 वर्ष, प्रांजल मिश्रा 16 वर्ष, पुत्र कमलेश मिश्रा, उत्कर्ष मिश्रा 17 वर्ष, पुत्र उमेश मिश्रा खेत से वापस आ रहे थे। रास्ते में पड़ने वाली नदी में नहाते समय पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों लोग उस गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मोतीपुर पुलिस को दी गई। मोतीपुर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। इस घटना की सूचना मिलते ही गाँव में हड़कंप मच गया। सभी लोग नदी की तरफ भागे। मोतीपुर पुलिस ने डूबे हुए लोगों की तैराकों व ग्रामीणों की मदद से खोजबीन की। तीनों लोगों को नदी में खोजबीन कर निकाला गया। तीनों लोगों को नदी से बाहर निकालने के बाद तत्काल मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना से परिजनों में कोहराम मच गया तथा गांव के लोग सदमे में हैं। मोतीपुर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कर शव को बहराइच जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आपका क्या नाम है? हर्ष मित्रा। कहाँ रहने वाले हैं? सरपंच पुरवा बगहा। ये पता चल रहा है कि तीन लोग आपके यहाँ नदी में डूबकर मर गए हैं, कौन कौन मरे हैं? जी, कल्लू मिश्रा, प्रांजल मिश्रा और उत्कर्ष मिश्रा। पुत्र? कल्लू मिश्रा पुत्र दुखरनाथ और प्रांजल मिश्रा पुत्र कल्लू मिश्रा और उत्कर्ष मिश्रा पुत्र उमेश मिश्रा। ये कैसे मौत हुई इनकी? ये उस पार अपने खेत गए थे, खेत से लौट रहे थे, तो जिसमें प्रांजल जो है वो छोटा था, तो वो अचानक नदी में डूबने लगा। कल्लू और उत्कर्ष दोनों बचाने के चक्कर में नदी में कूदे, इस वजह से दोनों तीनों लोगों की डूबने से मौत हो गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।